अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ को बहुत पुरसकून अंदाज में गुजार रहे होंगे। यहाँ पर आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह नाश्ते से, बच्चों के लिए जो है बॉयल होने के लिए रखती हूँ और साथ में चाय। मौसम अच्छा खासा ठंडा है सुबह के टाइम, सुबह के 6 बज रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चों को चाय बनाकर दे रही हूँ ताकि उनको जो है वो ठंड फील ना हो। और यहाँ पर मैं फ्राइज़ जो है वो कट करके रखने लगी हूँ, तो हाना जो है वो फ्राइज़ लेके जाती हैं और मोहम्मद सुबहान भी, सो इसीलिए जो है मैं अब सुबह ही जो है वो आलू कट कर रही हूँ। पहले मैं बना कर रख लेती थी, फ्राइज़ फ्रीज़ कर देती थी, बट अब काफ़ी दिनों से काफ़ी लेज़ी हो चुकी हूँ, कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, बच्चे भी ठीक नहीं थे, सो घर की रूटीन जो है बहुत टफ़ हो गई थी, इसलिए जो है मैंने करके नहीं रख सकी फ्राइज़ फ्रीज़। अब यहाँ पर जो है जल्दी से जो है मैं फ्राइज़ को कट कर रही हूँ ताकि जल्दी से फिर मुझे सुहाना को रेडी करना है स्कूल के लिए, और उनका साथ ही जो है वो ब्रेकफास्ट भी रेडी हो रहा है। सो मैं यहाँ पर जो हूँ वो फ्राइज़ को कट कर लूँगी और देन जो है जब तक फ्राइज़ हमारे कट होंगे बच्चों को नाश्ता दे दूँगी और उसके बाद जो है मैं सुहाना को स्कूल के लिए रेडी करूँगी। मौसम जो है वो भी फ़िलहाल काफ़ी ठंडा है, मतलब इतनी ठंड है कि बच्चों को जो है एहतियात की ज़रूरत है। अल्लाह पाक हम सबको हिफ्ज़ अमान में रखे और बच्चों को जो है वो अच्छी वाली सेहत दे अल्लाह पाक। तो यहाँ पर फ्राइज़ जो हैं वो कट हो चुके हैं जल्दी जल्दी से, और यहाँ पर बच्चों की जो है वो चाय भी बन चुकी है, बच्चों को चाय दे दूँगी और साथ में एग बॉयल। और यहाँ पर फ्राइज़ भी जो हैं उनके साइड चेंज कर लूँगी क्योंकि मैंने बहुत हाई फ्लेम पर उनको रखा हुआ है ताकि फटाफट से जो हैं वो हमारे फ्राइज़ बन जाएँ। और फाइनली जो है वो फ्राइज़ बन चुके हैं। मैं यहाँ पर फ्राइज़ रखने लगी हूँ मोहम्मद सुबहान और सुहाना के लंच बॉक्स में। यहाँ पर बच्चों के फ्राइज़ जो हैं वो मैंने लंच बॉक्स में रख दिए हैं, सुहाना साथ केचप भी लेकर जाएगी, सो उसके लिए केचप जो है वो रख डाल दूँगी लंच बॉक्स में। इस तरह सब बहुत है। और बाकी मुझे यहाँ पर जो है मेंशन करनी थी आप लोगों से एक और बात, हमारी एक और यूट्यूबर हैं बहुत अच्छी, निताशा वकास, जो कि बहुत हार्ड वर्किंग वूमेन हैं, बहुत अच्छे उनके व्लॉग्स होते हैं, दे रियली सो इंस्पायर, मुझे तो बहुत इंस्पायर करती हैं, मुझे तो उनके व्लॉग्स देख के उनकी मेहनत उनके एफ़र्ट देख के बहुत ज़्यादा जो है वो एनर्जी मिलती है कि हम लोग तो किस तरह काम से जो है वो थक जाते हैं नॉर्मली घर के काम से, वो कैसे माशाल्लाह सब कुछ मैनेज कर रही हैं अपनी एक एक चीज़। और यहाँ पर निताशा वकास जो हैं वो हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है, अपने घर को अपने पार्लर को और बच्चों को वो कैसे मैनेज कर रही हैं, अकेले सारा काम करती हैं। और यहाँ पर सुबह नाश्ते में जो है अपने लिए बनाने लगी हूँ रोटी, और साथ ही जो है मैं आज बहुत मज़े का बनाऊँगी चीज़ ऑमलेट, सो मुझे यहाँ पर चीज़ ऑमलेट रेडी करना है। और रोटी बन चुकी है, रोटी बन रही है, साथ ही चीज़ ऑमलेट की जो रेसिपी आज आप सबके साथ शेयर करूँगी, बहुत इजी और आसान सी रेसिपी वेजेज़ ऑमलेट जो है वो बनाएंगे। और उसके बाद आज के व्लॉग में डिनर में सब कुछ बहुत मज़ेदार होने वाला है, सो एंड तक मेरे व्लॉग को ज़रूर वॉच कीजिएगा। रोटी पककर तैयार हो चुकी है, सो मैं यहाँ पर ब्रेड के स्लाइसेस रखती हैं और यहाँ पर मैं सिंपल जो है ऑयल ऐड करूँगी पैन में, और इसमें हम ऐड कर देंगे ऑमलेट। ऑमलेट जो है मैंने दो एग का रेडी किया है, मतलब दो एग को अच्छी तरह से जो है वो मैंने बीट कर लिया है इस तरह से फोक की हेल्प से, और सिंपल जो है इसके अंदर मैं इसको जो है मैं इस तरह से पैन में ऐड कर दूंगी। सिंपल ऑमलेट है अभी, इसमें मैंने कोई भी स्पाइसेस और वेजेस ऐड नहीं की। और यहाँ पर जो ऑमलेट को हम अच्छी तरह से पैन में फैला लेंगे, और अब जो है मैं इसमें ऐड करूंगी स्पाइसेस। सबसे फर्स्ट में मैंने इसमें ऐड करना है नमक, और उसके बाद रेड चिली या क्रश चिली जो भी आपको ईजीली सूट करते हो वो आप इसमें ऐड कर दीजिएगा।
फ्लेम को मैंने थोड़ा सा लो कर दिया है ताकि इनो एग हमारा नीचे से जल जाए। और इसमें मैं जो है रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ, साथ ही इसमें हम वेजेस ऐड करेंगे। वेजेस में मैं ऐड करने वाली हूँ प्याज और टमाटर। अब मज़ीद चीज़ें भी जो हैं वेजेस इसमें ऐड कर सकते हैं, लाइक शिमला मिर्च, बंद गोभी, जो भी आपको पसंद हो। मैंने इस तरह से बारीक चॉप कर कर जो है प्याज ऐड की है, और साथ ही मैं इसमें टमाटर के जो हैं वो छोटे छोटे क्यूब्स ऐड कर रही हूँ। और अब मैंने इसमें ऐड करनी है, हमारे पास है चेटर चीज़ एंड मोज़रेला चीज़, सो मैं इसमें जो है वो चीज़ ऐड कर दूंगी। और चीज़ जो है ये मेल्ट होने में काफ़ी टाइम लेती है, सो मैं इसको जो हूँ कवर कर दूंगी थोड़ी देर के लिए ताकि हमारी चीज़ जो है बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाए। और यहाँ पर आप देख सकती हैं कितने अच्छे से जो है वो चीज़ हमारी मेल्ट हो रही है। तो इसे मज़ीद चीज़ को मेल्ट करती हूँ और बहुत अच्छे से एग हमारा ऑमलेट तैयार है। यहाँ पर स्लाइस और चीज़ वेजेस ऑमलेट जो है हमारा रेडी हो चुका है। आइए नाश्ता करते हैं मज़ेदार से चीज़ ऑमलेट के साथ। और नेक्स्ट इंशाल्लाह अभी आपके साथ जो है आगे डिनर की रेसिपी शेयर करती हूँ। प्लीज़ न्यू आने वाले मेम्बर्स काइंडली मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मोर लेटेस्ट वीडियोस जो भी मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। चिकन को मैंने नमक और मिर्चें जो होती हैं या क्रश चिलीज़ लगाकर जो है वो रख दिया था मैरिनेट होने के लिए, और मैंने इसमें कुछ भी मज़ीद ऐड नहीं किया। वेजेस जो हैं वो ऐड कर दिए थे आलूओं के, और थोड़ा सा पानी ऐड किया है। और हम इनको जो है चिकन की ड्रम स्टिक्स को बनाएंगे सिर्फ स्टीम पर। थोड़ा सा ऑयल ऐड कर रही हूँ और अपनी ही स्टीम में हमारा चिकन इतना अच्छा सा जो है वो रेडी हो जाएगा कि आप देखते रह जाएंगे। और झटपट से बहुत आसान सी रेसिपी है। चिकन ड्रम स्टिक्स पे मैंने लगाई थी नमक और साथ ही मैंने सिर्फ क्रश चिली इसमें ऐड की थी। और यहाँ पर मैं इसको कवर करके रखने वाली हूँ मैक्सिमम 20 मिनट्स के लिए। और आफ्टर 20 मिनट्स बाद जो है मैंने इसको किया है ओपन, और थोड़ा सा इसमें मैंने सोया सॉस ऐड किया है। और चिकन जो हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है, मज़ीद जो है हाई फ्लेम कर चिकन को जो है वो पानी खुशक कर दूँगी ड्राई, ताकि यही ना हो चिकन हमारा टूटना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि चिकन बहुत मज़ेदार सा तैयार है और बहुत टेंडर सी जो है इसकी अच्छी सी खुशबू भी आना शुरू हो गई है। फ्लेम हाई कर दिया है, आलू भी जो है वो बहुत अच्छे से पक चुके हैं। और साथ ही जो है हम इनको हिलाते रहेंगे ताकि जी मज़ीद अच्छी तरह से जो है हमारा चिकन हर साइड से जो है वो पक जाए। और कलर देखिए इसका कितना अच्छा आ चुका है, पानी भी जो है वो ड्राई होना स्टार्ट हो चुका है। तो लीजिए पानी हो गया है ड्राई और मज़ेदार से हमारी चिकन स्टीम ड्रमस्टिक्स जो है वो रेडी हो चुकी है। बहुत अच्छी सी खुशबू मज़ेदार आसान सी रेसिपी के साथ। आप इसमें जो है वो लेमन ऊपर से गार्न कर सकते हैं, लेमन के ड्रॉप्स ऐड कर सकते हैं, जिंजर गार्लिक जो होता है वो ऐड कर सकते हैं उनके स्लाइसेस। मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है इसी तरह से डिश आउट करने वाली हूँ। चिकन आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे से टेंडर और सॉफ्ट हो गया है। मज़ेदार से आज के हमारी जो है चिकन स्टीम ड्रम स्टिक की जो रेसिपी मैंने आप सबके साथ शेयर की है, बहुत आसान सी और स्टीम में तो जो है कम ऑयल के साथ बहुत मज़े की लगती है ये रेसिपी। और इसके बाद मैं इसको डिश आउट करने वाली हूँ नूडल्स के साथ, यानी कि स्पैगेटीज़ के साथ। सो यहाँ पर मैंने स्पैगेटीज़ बहुत नॉर्मली जो है वो रेडी कर ली थी। स्पैगेटीज़ में जो है मैंने कुछ भी मज़ीद ऐड नहीं किया, सिंपल सी स्पैगेटीज़ हैं, इसमें चिकन भी ऐड नहीं किया, सिर्फ गाजर और बन को भी ऐड की थी। और इसको जो है मैंने बहुत अच्छे से जो है वो हमारी नूडल्स तैयार हो चुकी हैं सिंपल सी। इसकी ऑलरेडी मेरे चैनल पर रेसिपी जो है वो मौजूद है, इसलिए मैंने इसकी रेसिपी आप सबके साथ शेयर नहीं की क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जानी थी। थोड़े से जो है मैंने केचप में मायो ऐड की और थोड़ी सी चिली सॉस उसको ऐड कर दिया मैंने नूडल्स के ऊपर, और हमारे जो है इसके ऊपर चीज़ ऐड कर दूँगी, और साथ ही जो हम इसके ऊपर चिकन रख देंगे, चिकन की ड्रम स्टिक। और चिकन मैंने इसमें इसलिए भी ऐड नहीं किया था क्योंकि चिकन की जो है वो ड्रम स्टिक हमने जो इसके साथ है वो सर्व करनी थी, इसलिए मैंने इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड नहीं की, यानी कि चिकन ऐड नहीं किया। और बहुत मज़ेदार से जो है हमारी आज की रेसिपी रेडी है। आप चिकन ड्रम स्टिक्स को सिंपल
बॉयल्ड राइस के साथ भी जो है वो सर्व कर सकते हैं। मैंने जो है नूडल्स के साथ सर्व किया इसको। होप सो यू ऑल लाइक माई रेसिपी। और अगर मेरी आज की रेसिपी, मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल पर न्यू आने वाले मेंबर्स, काइंडली चैनल को, मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।